भगवान को देखते हैं। वो भगवान कभी था या नहीं था हमको मालूम नहीं है। ये पानी हमको बचाया है, ये पानी के वजह से हम बच रहे हैं, ये एनवायरनमेंट के वजह से हम बच रहे हैं, पेड़ के वजह से हम बच रहे हैं, तो इसको हम भगवान देखते हैं। मेरा नाम जीशुदान दिशारी, मैं भारतवर्ष में रहने वाला हूँ। प्रकृति मित्रों का सर्टिफिकेट तो हमको मिला है, ये बहुत संघर्ष के बाद मिला है, क्योंकि हमको मालूम नहीं था कि पानी को कैसे यूटिलाइज करें हम, आज जंगल को कैसे सुरक्षित करना है। जिस समय हम यहाँ पोडू कल्टीवेशन कर रहे थे उस समय यहाँ जंगल ही नहीं था, पानी भी धीरे धीरे कम होते जा रहे थे, हम खेती बाड़ी में लगा नहीं पा रहे थे। बाद में APS ने ही हमको नॉलेज दिया कि इस पानी को ऐसे डाइवर्सन करना है। DBI के जरिए से हम पाइप अपने अपने खेती में लेके छोड़ा, अभी 3 बार हम खेती कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे NTF है, TDCC एक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ हमारे पंचायत और हमारे ब्लॉक में जितने महिला हैं APS के साथ जुड़ा हुआ काम करते हैं, उसको बुलाया गया। वहाँ एक ही दिन ट्रेनिंग था, हिल ब्रूम को कैसे हम बनाते हैं ट्रेनिंग दिया। हिल ब्रूम पहले से ही कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट के साथ हम कैसे डील करें, कैसे बाहर बेच पाए, ऐसा मालूम नहीं था हमारे पास। बाद में TDCC हमको कहा कि NTAP हिल ब्रूम भी हम लेते हैं, तो बाद में ऐसा पता चला कि गवर्नमेंट के साथ डील करना। तो हम डिसाइड करते हैं और पंचायत में हम जाते हैं, और पंचायत में जो ग्राम सभा नोटबुक है वहाँ हमारे जितना भी डिमांड है, गांव में लैंड डेवलपमेंट करना है या जल जंगल जमीन का सुरक्षित के लिए, प्लानिंग को देख के ही हम ग्राम सभा में प्लानिंग को डालते हैं। कुछ किताब किताब नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास एक गाथा है, गीत है। जिस समय हम पूजा पाठ करते हैं उस समय उस गीत को गाते हैं। जो पुरखों ने हमारे समाज के लिए कुछ किया था हमको पता चल रही है उस गीत की वजह से। हमारे जो कल्चरल है, परंपरियां है, वो हमारे जल जंगल जमीन का साथ ही जुड़ा है। जो सीड्स को हम कलेक्ट कर रहे हैं ये हमारे एक फेस्टिवल ही है, जो जितने भी हमारे सीड्स है उसको भी लेते हैं, जंगल में लगाते हैं। तो बीच बीच में जो जंगल डिस्टेंस है, अंदर भी भरपूर पेड़ हो जाएगा, हमारे एनवायरनमेंट को हम कैसे सुरक्षित रखें और हम बचे, अगर इसका नॉलेज जिसका पास है वही डेवलपमेंट होता है। हम बचेंगे, आने वाली पीढ़ी को भी हम बचा के जाएंगे।